भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर से शुरू होकर गुजरात के कच्छ तक ये संवेदनशील बॉर्डर फैला है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कच्छ में एक ऐसी जगह है जिसका नाम बड़ा ही अजीब सा है और कई बार चर्चाओं में भी आया है। इस जगह का नाम है हरामी नाला। लेकिन ये नाम इस जगह को क्यों दिया गया, इसे जानने से पहले हम जानेंगे कि हरामी नाला दरअसल है क्या। ये गुजरात के कच्छ में 22 किलोमीटर तक फैला एक बड़ा एरिया है जिसका काफी हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और एक करीब 8 किलोमीटर के भाग में दलदल भी है जिसमें चलना भी आसान नहीं है। आसान शब्दों में हरामी नाला गुजरात के कच्छ इलाके में भारत और पाकिस्तान को बांटने वाला 22 किलोमीटर लंबा एक समुद्री चैनल है। राजस्थान के बाड़मेर जिले का कुछ हिस्सा यहाँ पर टच करता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति मौसम के साथ साथ पल पल बदलती रहती है। पानी का स्तर और वेग भी मौसम के अनुसार लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ बीएसएफ के जवान अस्थायी साधनों से सीमा की निगरानी करते हैं। ऐसे हालात में दुश्मन की हर हरकत पर निगरानी रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इस नाले को हरामी नाला नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी अच्छी खासी स्टोरी है। नाले को हरामी नाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जगह पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसने के लिए जन्नत जैसी है। पाकिस्तानी आतंकियों से लेकर पाकिस्तानी जासूस तक इसके जरिए समय समय पर घुसपैठ करते रहते हैं। इसी वजह से इसे हरामी नाला कहा जाने लगा। तस्करों के लिए भी भारत में एंट्री के लिए ये इलाका जन्नत जैसा हो गया है। पाकिस्तानी मछुआरे अक्सर यहाँ से पकड़े जाते रहे। कई बार खाली नावें भी बरामद हुई। कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये इलाका बहुत परेशान करता है। एक और बात ये भी है कि कच्छ से पाकिस्तान की ओर जाना ज्यादा कठिन है, इसलिए ऐसा शायद ही कभी हुआ है कि भारत की सीमा से हरामी नाले के जरिए कोई भी कभी भी पाकिस्तान गया हो। ये भी कहा जाता है कि 2008 में 26/11 आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का समूह जिसमें अजमल कसाब भी शामिल था, वो सब इसी हरामी नाले के जरिए नाव से आए थे। हरामी नाला एक ऐसा समुद्री चैनल जो धारा बदलने के लिए भी कुख्यात है। कहा जाता है कि आम बोलचाल से ही इस समुद्री चैनल का नाम हरामी नाला पड़ा। यहाँ की स्थिति का कोई सही अनुमान नहीं लगा सकता है। हरामी नाला नाम का अर्थ है दुष्ट या फिर विश्वासघाती चैनल। ये नाम इस क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए दिया गया जिसमें खतरनाक टाइड और दलदल के साथ साथ गर्मियों में अत्यधिक उच्च तापमान भी शामिल है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।